नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। क्या हो अगर 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तूफान हमारी धरती से टकराए? जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने यह आगाह किया है, यह चेतावनी दी है कि एक सौर तूफान यानी सोलर स्ट्रॉम आज हमारी धरती से टकराएगी, जिसकी रफ्तार जो होगी, स्पीड जो होगी, तकरीबन 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये क्या क्या तबाही ला सकता है उस बारे में अमेरिका ने बताया है, यानी नासा ने बताया है, अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने बताया कि इसमें सैटेलाइट सिस्टम जो भी हैं वो बाधित हो सकते हैं, सिग्नल्स जो मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं वो बाधित हो सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम जो होते हैं GPS वो पूरी तरह से बाधित हो सकते हैं, और एक साथ सारे शहरों के जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर होती है, बिजली होती है, वो कट हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोल भी देता है। तो भगवान ने रास्ता क्या खोला? हमारे धरती के चारों तरफ जो होती है चुंबकीय क्षेत्र होती है, हमारी धरती के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होती है, वो जो है ये सोलर स्ट्रॉम से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हद तक सक्षम है, यानी वो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जैसे अभी वैक्सीन जो है कोरोना के विरोध में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, वैसे ही ये जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है धरती की, वो सोलर स्ट्रॉम के विरोध में काम करता है, यानी विरोधाभास जिसको कहते हैं, यानी जो तूफान सोलर स्ट्रॉम जो है उसको रोकने में एकदम सुरक्षा कवच जो होता है। जैसे अभी वैक्सीन सुरक्षा कवच है हमारी, वैसे ही ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस तूफान से लड़ने में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये तूफान पहली बार नहीं आ रहा है, इससे पहले भी आ चुका है। 1989 में ये तूफान यानी सोलर स्ट्रॉम हमारी धरती से टकराया था, तो कनाडा और क्यूबा के शहरों में जो है, कनाडा और क्यूबा जो शहर है वहाँ पे 12 घंटे तक बिजली बाधित रही थी। उससे पहले 1859 में जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम जो कि यूरोप और अमेरिका की जो टेलीग्राफ नेटवर्क है उसको पूरी तरह से बाधित कर दिया था। और ये जो स्ट्रॉम टकराने वाली है, सोलर स्ट्रॉम जो टकराने वाली है, इसके इफेक्ट ये भी हो सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के जो बाहरी वायुमंडल हैं वो गर्म हो सकता है, बाहरी वायुमंडल गर्म हो सकता है। और क्या क्या हो सकती है? उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश यानी नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पे अरोरा देखी जा सकती है। अरोरा क्या है? जब रात के समय में आसमान में काफ़ी ही तेज बिजली की तरह एक लाइट होती है, बहुत ही चमकीली रोशनी आती है हमारे आसमान में, उसको अरोरा का नाम दिया गया है। तो उत्तरी एवं दक्षिणी लैटिट्यूड में इसको देखा जा सकता है इस तूफान को टकराने के बाद। लेकिन ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी जो है चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तूफान से लड़ने में काफ़ी सक्षम है, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, तो इस तूफान को टकराने की संभावना जो है लगभग ना के बराबर होती है, यानी संभावना है कि टकराएगी लेकिन ना के बराबर। तो इससे वैज्ञानिक आगाह कर देते हैं ताकि हम अपनी जो सुरक्षा है हम सुरक्षित रह पाएं, अपने सुरक्षा को देख पाएं, यानी इसकी टकराने की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन हमें तो सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, तो सुरक्षित रहिए और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें इससे बचाने में सक्षम है। आगे भी इससे जुड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।